ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। सेवलिप ड्रॉप्स, लीवर रोगों से मुक्ति एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए रामबाण नुस्खा। एसएस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, अब सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लोन लेना हुआ आसान। शिववानी टेलीकॉम, महा एक्सचेंज में पुराना मोबाइल देकर नया ले जाएं 0% इंटरेस्ट पर। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 50 नए मामले, 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली कैंट के नांगल गांव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या कर शव का अंतिम संस्कार करने के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा, मैंने परिवार से बात की और उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं। उनका कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी मदद की जानी चाहिए और हम वो करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद हत्या को बताया बेहद शर्मनाक। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत। नरेला के कुरेनी गांव में चल रहे नकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को किया गिरफ्तार। आरोपी नकली डिटर्जेंट पाउडर को नामी कंपनी सर्फ एक्सेल की पैकिंग में डालकर बेच रहा था दिल्ली एनसीआर में। ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को दी मंजूरी। अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में मिठाई खरीदने के बाद अपने घर की ओर जा रहे एक समुदाय के व्यक्ति की हत्या के आरोपी 7 लोगों के खिलाफ आरोप किया तय। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के ठोस साक्ष्य। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनकर की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मुख्य आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार सहित 13 लोगों के खिलाफ रोहिणी अदालत में दाखिल की चार्जशीट। चार्जशीट के अनुसार पहलवान सुशील ने ही की थी हत्या, फुटेज में हुआ साफ। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अंकित गुज्जर की मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत को परिवार ने बताया मर्डर, पुलिस ने शुरू की जाँच। दिल्ली में मिलती रहेगी फ्री वाईफाई की सेवा, सीएम केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट का फैसला। सरकारी सुविधा के तहत अब तक दिल्ली के 105,061 जगहों पर लगा चुकी है हॉटस्पॉट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की जताई संभावना, हालांकि दिन में देखने मिल सकते हैं धूप के हल्के तेवर। ऐसे ही तमाम दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।